सभी संकल्पों को एक बिंदी में समेटकर अपने आप को देखें। मैं सर्वश्रेष्ठ संगमयुगी ब्राह्मण आत्मा हूं। प्यार के सागर बाप दादा का मैं लाडला बच्चा हूं। स्वयं सर्वशक्तिवान शिव पिता ने मुझे ब्रह्मा मां द्वारा एडॉप्ट करके अलौकिक जन्म दिया है। ब्रह्मा बाप हमारी अलौकिक मां भी है तो अलौकिक पिता भी है। ब्रह्मा बाप ने हम बच्चों को अलौकिक जन्म देने के साथ साथ ऐसी प्यारी पालना दी है जो हम सभी बच्चों के मुख से यही आवाज निकलता है, मेरा बाबा। जैसे हमने बाबा से साकार व आकार रूप में विशेष पालना ली है, अब हमें भी वैसी ही पालना सबकी करनी है। मैं बाप समान बनकर प्यार और शांति द्वारा सबकी पालना करता हूं। जो भी आत्मा मेरे संपर्क में आती है उसे मेरे द्वारा अपनेपन की भावना आती है। अलौकिक संबंध की अनुभूति होती है। मैं ब्रह्मा बाप समान पालनहार बन सभी आत्माओं की ऐसी पालना करता हूं जो उन्हें अनुभव होता है कि ऐसा प्यार तो हमको न कभी मिला न कभी देखा। जिन आत्माओं की सेवा के मैं निमित्त बनता हूं उन्हें मैं ऐसी पालना देता हूं जो प्रेम और पालना द्वारा वह आत्मा अविनाशी वर्षे की अधिकारी बन जाती है। मैं निमित्त बन उन्हें ऐसा शक्तिशाली बनाता हूं कि वे अपने को सदा विघ्न विनाशक शक्ति संपन्न हेल्दी वेल्दी अनुभव करती है।
मुझ निमित्त आत्मा के पास आते ही उन्हें हर प्रॉब्लम का हल मिल जाता है। मैं आत्मा स्वयं को निमित्त समझकर उन्हें सहारा देता हूं, पालना देता हूं, तो उन्हें परमात्मा छत्र छाया के नीचे सेफ्टी का अनुभव होता है। जैसे ब्रह्मा माँ ने किसी भी बच्चे की कमी कमजोरियों को नहीं देखा, लेकिन अपनी शक्तियों से उन्हें ठीक किया, वैसे मैं आत्मा भी सहन शक्ति और समाने की शक्ति धारण कर हर आत्मा की रूहानी पालना करके सबको आगे बढ़ाता हूं। कल्याणकारी भावना से कैसी भी अपकारी आत्मा हो उपकारी बन जाती है। अब सर्व की पालना करने के लिए सामने लाए अपना जगत माता ज्ञान गंगा रूप महादानी वरदानी रूप देखे, बस मेरी एक दृष्टि से ही सबको वरदानों की प्राप्ति हो रही है। मेरी चलन और चेहरा देखकर सबके दिल से वाह वाह के गीत निकल रहे हैं। मैं सबकी दुआएं प्राप्त कर रहा हूं। सबकी दुआएं लेते, सबको दिल की दुआएं देते, मैं सबकी रूहानी पालना कर रहा हूं। ब्रह्मा बाप समान पालनहार बन मैं अपनी रूहानी पालना से सबको शक्तिशाली बना रहा हूं। ओ शांति।